इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी ठिकानों को कैसे टारगेट किया, तस्वीर आपके सामने होगी। दमिश्क और उसके आसपास के हमले को लेकर बड़ी खबर आई है जिसमें 13 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से ईरानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर यह अटैक किया गया है। तो देखिए, ईरानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर यह अटैक अंजाम दिए गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था ईरान के अंदर घुसकर कैसे इस्फहान को निशाना बनाया गया था और वहां पर जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनको निशाना बनाते हुए ताजा हमले जो है वो अंजाम दिए गए थे। अब एक बार फिर सीरिया के अंदर ऐसा ही हमला हुआ है। अगर वाकई दमिश्क या इसके आसपास किसी ईरानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर अटैक हुआ है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए देखते हैं कि दमिश्क में इजरायली अटैक को लेकर दोनों ओर से क्या कुछ कहा गया है, हकीकत है क्या। सबसे पहले इजरायल का दावा, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं, तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दमिश्क में इजरायली अटैक, ईरानी ड्रोन सेंटर ध्वस्त किया गया है, आतंकियों और सैन्य ठिकाने को एक साथ हमने टारगेट किया, ये माना है इसराइल ने। इजरायली बॉर्डर को आतंकियों से सुरक्षित करने के लिए इस हमले को अंजाम दिया गया। पुतिन की मदद कर रहे ईरान को कमजोर करने का ये इरादा है, इसी वजह से ईरानी ड्रोन प्रोडक्शन सेंटर पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। आप सीरिया क्या दावा कर रहा है जो हमले का शिकार हुआ है। दमिश्क में इजरायली अटैक, सीरिया का दावा यह कि सीरियन एयर डिफेंस ने काउंटर अटैक में कई हमलों को नाकाम कर दिया। इसराइल की तरफ से हमले किए गए लेकिन हमने उन हमलों को नाकाम कर दिया काउंटर अटैक में, यह कहा गया है सीरिया की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलेंगे सीधे मॉस्को। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आप इस वक्त रूस में मौजूद हैं, मॉस्को में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजरायल ने अटैक किया है सीरिया पर और निशाने पर एक बार फिर ईरान के ड्रोन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, किस तरह की हलचल वहां पर आप महसूस कर रहे हैं, इस हमले को कैसे देखा जा रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब मॉस्को में मौजूद होकर यहाँ के तमाम रक्षा विशेषज्ञों से बात कर रही है तो उनका कहना यह है कि अगर कोई सामान्य दिन होता तो आप इसे इजरायल और सीरिया या इजरायल बनाम ईरान समझ सकते थे, लेकिन आज की तारीख में हालात बदल चुके हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ईरान और चीन और सीरिया जैसे वो मुल्क हैं जो खुलकर रूस का साथ दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजरायल और पश्चिमी देशों के संबंध जगजाहिर हैं। हालांकि इजरायल ने अब तक रूस के साथ कोई अदावत मोल नहीं ली है, लेकिन तब भी ये देखा जा रहा है कि चाहे ईरान के साथ हो या सीरिया के साथ हो, इजरायल के ये तनाव, बढ़ते हुए तनाव दरअसल इस युद्ध का जो दायरा है उसको पूरी तरह से बढ़ा रहा है। यानी जो जंग अब तक हमने सिर्फ यूक्रेन की सरजमी पर होते हुए देखा है वो अब आगे बढ़कर मिडिल ईस्ट तक पहुँच गई है और इससे भी आगे बढ़ सकती है जब अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन चीन तक को चेतावनी देते हैं। तो कुल मिलाकर जिस विश्व, मनीष, लेकिन मेरा सवाल उस लिहाज से समझना जरूरी है, क्या ये कैसा खेल चल रहा है जहां ईरान के ड्रोन एक बड़ी मदद साबित हो चुके हैं रशिया के लिए इस पूरे वॉर जोन में, ऐसे में ड्रोन फैक्ट्री को टारगेट करना, ये आखिर पूरा खेल चल क्या रहा है? इनडायरेक्टली पुतिन को चोट पहुंचाने की कोशिश और ये बड़ा वार। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमने देखा है कि इस युद्ध में ड्रोन की कितनी बड़ी भूमिका है और ईरानी ड्रोन ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है रूस की सेना के लिए, और वैसी स्थिति में जो रूस के विरोधी गठबंधन है उनकी कोशिश है कि रूस को हथियार सप्लाई ना हो सके और ईरान ड्रोन सप्लाई ना कर सके, इसलिए ईरान के उन ड्रोन ठिकाने पर हमला कर सके। जाहिर है कोई और देश ऐसा करने में कामयाब नहीं होगा, वैसे में इजराइल के जो संसाधन है उसकी मदद ली जा रही है और शायद यही वजह है कि अभी लगातार आप अचानक देख रहे हैं
इजराइल और ईरान के बीच इस तरह के बिल्कुल बिल्कुल मनीष। तो और इससे पहले भी हमने देखा था कि इस्फहान में ईरान में ये स्ट्राइक की गई थी, और अब एक बार फिर से ड्रोन जहां पर निर्माण हो रहा था उन ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।